हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटो ईवी टेक वाले में। मैं निखिल शर्मा, मैं अपना ओला स्कूटर लेके गया था। ये ईस्ट दिल्ली का सबसे आइकॉनिक ब्रिज है। ये पूरा ब्रिज जो है वो वायर पे टिका हुआ है, और आप देख सकते हैं मेरा ओला स्कूटर। इस समय सिग्नेचर ब्रिज पे हूँ, और मैंने आज सिग्नेचर ब्रिज की पूरी राइड करी थी। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो राइड वाली वीडियो। देखिए, ये एक टर्न आता है आपका वजीराबाद से। तो हम वजीराबाद से सिग्नेचर ब्रिज जब चढ़ते हैं तो हमको सिग्नेचर ब्रिज का व्यू दिखता है चढ़ते ही। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए और इसको एंजॉय करिए। तो देखिए, ये आपको सिग्नेचर ब्रिज दिख रहा है यहाँ से आपको। और अभी तक मैं टोटल जो अपनी ओला स्कूटी को राइड कर चुका हूँ वो अराउंड 350 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। जाने में बहुत स्मूथ चल रहे भाई। मुझे अब नॉर्मल बाइक चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो ये कॉस्ट सेविंग है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 मिनट लगते हैं चार्ज करने में, और मुझे अराउंड 100 किलोमीटर तक की इससे रेंज मिल जाती है नॉर्मल मोड के अंदर। और सिटी के अंदर तो नॉर्मल मोड ही सफिशियंट है, आपको स्पोर्ट्स मोड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तो नॉर्मल मोड में ही क्या मिलती है आपको, 80 किलोमीटर आवर की स्पीड मिल जाती है। तो देखो आप क्या मस्त व्यू लग रहा है आपको सिग्नेचर बीच का। ये है सिग्नेचर बीच का व्यू। तो ये आपका पड़ता है भजनपुरे से और वजीराबाद के बीच में पड़ता है। तो अगर कोई भी इसके आसपास रहता है तो मेरे से वो कनेक्ट कर सकता है, तो मैं उसको ओला स्कूटी की राइड करवा सकता हूँ, ताकि वो टेस्ट राइड ले ले। किसी को अगर कंफ्यूजन हो रही है कि भाई मेरे को ओला स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो वो टेस्ट राइड ले सकते हैं। और टेस्ट राइड लेके उनको पता चल जाएगा कि इस स्कूटी में क्या खासियत है। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, अभी तक मैं अच्छे से ड्राइव कर रहा हूँ। और दूसरा है कि ये एक बार चार्ज करने के बाद आपको कोई भी इश्यू नहीं है, 100 किलोमीटर के अंदर आप इसको राइड कर सकते हो। धीरे धीरे इसके चार्जिंग पॉइंट भी बनेंगे, तो आप इसको वहां पे भी चार्ज कर सकते हो। तो ये स्कूटी मुझे अभी तक बहुत अच्छी लग रही है। तो आप लोग कमेंट करना ये वीडियो में देख के, जो भी इस दिल्ली में रहता हो जिसको राइड चाहिए वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो मैं उसको टेस्ट राइड करवा सकता हूँ। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए प्लीज, ताकि मैं आपसे फर्दर वीडियो शेयर कर सकूँ। थैंक यू।